जादुई कैमरा। रामकिशन एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था और बड़े होने पर यही शौक उनका प्रोफेशन भी बन गया। अब गांव में कहीं भी शादी ब्याह होता तो रामकिशन जी को ही फोटोग्राफी के लिए बुलाया जाता था। अरे भैया रामकिशन, 2 तारीख को आ जाना, मेरे बेटे की शादी है, फोटोग्राफी तुम ही करोगे। जी भाई साहब, मैं जरूर आ जाऊंगा। और हाँ देखो भाई, वो अपना जादुई कैमरा जरूर ले आना। जी सर, मैं उसी से फोटोग्राफी करूंगा। तभी वहां खड़े एक नए ग्राहक ने रामकिशन से पूछा, भैया रामकिशन, ये जादुई कैमरे की क्या कहानी है? रामकिशन ने उस आदमी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, सर लगता है आप नए हैं। असल में ये जो आप कैमरा देख रहे हैं ना, ये दिखने में बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी जादुई कैमरे से कम नहीं है। अच्छा भैया, तो हमें भी बताओ ये जादुई कैसे है, दिखने में तो ये एक आम और बड़ा पुराना सा कैमरा लगता है। उस आदमी की बात सुनकर रामकिशन ने हंसते हुए उस आदमी को बताया कि जब बचपन में रामकिशन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास कैमरा नहीं था। वो एक लकड़ी का कैमरा बनाकर फोटो खींचने की एक्टिंग करते थे और एक दिन ऐसे ही एक्टिंग करते करते वो जंगल के काफ़ी अंदर चले गए। और जब वो फोटो खींचने की एक्टिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शेर एक साधु महात्मा पर हमला करने वाला था। रामकिशन ने पत्थर उठाकर उस शेर को मारा। वो शेर डर के वहाँ से भाग गया। और जब साधु ने पलट कर देखा कि रामकिशन ने उसकी जान बचाई है, तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो रामकिशन ने उसे अपने शौक के बारे में बताया। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये नकली कैमरा असली कैमरे में बदल जाए और तुम इससे जो भी फोटो खींचोगे वो बहुत ही अच्छी आएगी। साधु महाराज ऐसा कहते ही वहाँ से गायब हो गए और रामकिशन का वो कैमरा एक असली कैमरे में बदल गया। रामकिशन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा तो इसीलिए इसे जादुई कैमरा कहते हैं। जी सर, इसलिए बचपन से ये कैमरा मेरे साथ है और आज जो भी मैं हूँ वो इसी कैमरे की वजह से है, इसलिए आसपास के सभी लोग इसे जादुई कैमरा बोलते हैं। रामकिशन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा तो ठीक है भाई साहब, मेरी भी एक फ़ोटो इस जादुई कैमरे से खींच लीजिए। उस आदमी की बात सुनकर रामकिशन हंसने लगा और उन्होंने उस आदमी की एक फ़ोटो खींच ली। और फोटो खींचने के बाद रामकिशन अपना जादुई कैमरा लेकर शादी की फ़ोटो खींचने के लिए निकल पड़े। एक गांव में लीला और सुशीला नाम की दो औरतें रहा करती थी। वैसे तो दोनों आपस में पड़ोसी थीं, लेकिन उनकी बिल्कुल भी नहीं बना करती थी, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ा करती थी। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह दोनों का शोर सुनकर सारे गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। गांव के मुखिया ने दोनों से पूछा, अरे लीला सुशीला, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, तुम लड़ किस बात में रही हो, जरा बताओ तो सही। मुखिया की बात सुनकर लीला ने कहा, अब देखिए ना सरपंच जी, ना जाने हर दिन रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन बनाती रहती है जिसकी खुशबू मेरे घर तक आती है, और फिर मेरे बच्चे भी खाने की जिद करने लगते हैं और मुझे पकाना ही पड़ता है। मैंने इसे कितनी बार रोका है, अपने घर में इतना अच्छा खाना ना बनाया करे। मुखिया जी, भला ये भी कोई बात है, मेरा घर मेरी रसोई, मैं जितने चाहे व्यंजन बनाऊं, इसमें कोई रोकने वाला कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर वो दोनों फिर से एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती है। गांव वाले बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अलग करते हैं और उनकी लड़ाई का कारण सुनकर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। एक दिन सुशीला की बेटी ने आकर उससे कहा, माँ माँ देखो ना, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं क्लास में प्रथम आई हूँ। अरे वाह बेटा, मैंने तो अभी भगवान के भोग के लिए तुम्हारे लिए लड्डू भी बनाए हैं, जाओ जाकर भगवान को भोग लगाओ। मैं अभी खेतों से तुम्हारे पिताजी के पास से आती हूँ और उसके बाद मिलकर हम पूरे गाँव में लड्डू बांटेंगे। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ खेतों में पिताजी के पास, ये अच्छी खबर मैं खुद पिताजी को देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी खेतों की ओर चले जाते हैं। लीला ने जलन के मारे उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली, क्योंकि उसकी बेटी क्लास में फेल हो गई थी, और मन ही मन सोचा, हाँ ये अच्छा मौका मिला है, क्यों ना इन लड्डुओं में जमाल घोटा मिला दूं,
सारे गांव को लड्डू खिलाने चली थी ना, बुरी हालत हो जाएगी सबकी और फिर मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और मौका पाकर लीला सारे लड्डुओं में जमाल घोटा मिला देती है। सुशीला अपनी बेटी के साथ वापस आकर जब सारे लड्डू गांव में बांटने जा रही थी तो सबसे पहले उसे लीला के पति और उसके बच्चे मिलते हैं। वो उन्हें सारी बात बताकर लड्डू खाने को देती है। लीला का पति सुशीला को उसकी बेटी के फर्स्ट आने पर बधाई देते हैं और बड़े प्यार से लड्डू लेकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उन्हें टक्कर मारता हुआ वहाँ से चला जाता है। सारे लड्डू नीचे गिरकर खराब हो जाते हैं। ये देखकर सुशीला और उसकी बेटी बहुत दुखी होते हैं और वो दोनों बड़े दुखी मन से अपने घर वापस आ जाते हैं। और इधर जैसे ही लीला का पति और बच्चे घर पहुँचते हैं, थोड़ी देर में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे अरे अरे, ऐसा क्या खा लिया आपने जो आप दोनों की इतनी तबीयत खराब हो गई है? अरे कुछ नहीं भगवान, वो रास्ते में सुशीला मिली थी और उसने अपनी बच्ची की फर्स्ट आने की खुशी में बस मिठाई दी थी हमें खाने को। उनकी बात सुनकर लीला अपना सिर पकड़ लेती है और अपने पति और बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ उनका इलाज किया जाता है और वो ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। अब लीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो जाकर सुशीला से माफ़ी मांगती है और उससे गले लग जाती है। अब लीला और सुशीला बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थी और मिलजुल कर रहने लगी थी। ऑटो का जादुई पेड़। श्याम सिंह एक ऑटो ड्राइवर था। श्याम सिंह की पत्नी कमला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वो हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी और श्याम सिंह उसके विपरीत कर्म को हमेशा सबसे ज्यादा मानता था। एक दिन कमला ने श्याम सिंह से कहा, अजी सुनते हो, मैं बगल वाले घर में सत्यनारायण की कथा सुनने जा रही हूँ। खाना बना रखा है, आप खा लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, चली जाना, मैंने कब मना किया है तुम्हें। भाई मैं तो चला अपना ऑटो लेकर। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक एक दिन सरकार ने फैसला सुनाया कि 15 साल से पुराने ऑटो शहर में नहीं चलेंगे। इस फैसले से श्याम सिंह बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि उसका ऑटो बहुत पुराना हो चुका था। अब वो किसी तरह पुलिस से बचता बचाता अपना ऑटो चलाया करता था ताकि उसका ऑटो पकड़ा ना जाए। वो कभी रात में तो कभी दोपहर में ऑटो चलाया करता था। इससे उसकी आमदनी बहुत ही कम होने लगी। आमदनी कम होने के कारण श्याम सिंह परेशान रहने लगा क्योंकि उसके पास नया ऑटो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उसे परेशान देखकर कमला ने कहा, देखो जी, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कमला कब वो दिन आएगा और कब भगवान हमारी मदद करेंगे। ऐसा कहकर श्याम सिंह अपना ऑटो लेकर बाहर चला गया। वो जैसे ही सड़क पर पहुंचा तभी अचानक एक साधु ने उसे हाथ दिया। श्याम सिंह ने साधु को ऑटो में बिठा लिया लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर पुलिस वालों ने उसका ऑटो पकड़ लिया। तो श्याम सिंह ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज उतरिए, अच्छा बिठाया आपको मैंने आज, मेरा तो ऑटो ही पुलिस ने पकड़ लिया। श्याम सिंह की बात सुनकर उस साधु ने उसे एक पेड़ देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बच्चा, ये पेड़ ले लो और इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सब भली करेंगे। श्याम सिंह पुलिस थाने में अपना ऑटो जमा कराने के बाद अपने घर वापस आ गया और उसने वो पेड़ अपने आंगन के कोने में रखते हुए अपनी पत्नी से कहा, अरे कमला ये लो, आज एक और मिले थे हमें भगवान का वास्ता देने वाले, ये पेड़ देखकर कह रहे थे कि भगवान सब भली करेंगे, भला क्या भली करेंगे भगवान इस पेड़ से। श्याम सिंह की बात सुनकर कमला ने कहा, अगर साधु बाबा ने कहा है तो भगवान जरूर भली करेंगे। और ऐसा कहकर कमला ने भगवान का नाम लेकर वो पेड़ अपने आंगन में लगा दिया। अगले दिन सुबह जब श्याम सिंह और कमला उठे तो आंगन में पेड़ देखकर हैरान रह गए क्योंकि उस जो कमला ने पेड़ लगाया था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसमें कोई फल फ्रूट नहीं बल्कि ऑटो लगे हुए थे, खूबसूरत खिलौने ऑटो, तरह तरह के रंग बिरंगे ऑटो। ये देखकर कमला ने श्याम सिंह से कहा, अरे अरे देखा तुमने, मैंने कहा था ना भगवान जरूर भली करेंगे, चलो अब जल्दी से इन ऑटो को उतारो और इन्हें बाजार में बेच दो, खूब पैसा आएगा। श्याम सिंह ने ऐसा ही किया। उसने तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने वाले ऑटो उतारे और उन्हें बाजार में खिलौनों वाले दुकान में जाकर बेच दिया।
वो खिलौने वाले ऑटो इतने सुंदर थे कि हाथों हाथ बिक गए, जिससे श्याम सिंह की काफी अच्छी आमदन हो गई। अब रोज सुबह ही श्याम सिंह उस पेड़ से ऑटो तोड़ता और बाजार में जाकर बेच दिया करता था। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए और उसने एक नया ऑटो ले लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। हे प्रभु, मुझसे जो गलतियां हुई माफ करना। आप किस तरह किसी की मदद करेंगे ये कोई नहीं जानता। और इस तरह चमत्कारी ऑटो वाले पेड़ ने उनकी सारी मुसीबतें हल कर दी और वो फिर